बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। मुलजमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल हो गई। जज अबुल हसन मोहम्मद जुलकरनैन ने 12 घंटे से ज्यादा केस की तवील समाअत अडियाला जेल में की। आज फिर समाअत होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। मुलजमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल हो गई। जज अबुल हसन मोहम्मद जुलकरनैन ने 12 घंटे से ज्यादा केस की तवील समाअत अडियाला जेल में की। आज फिर समाअत होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। मुलजमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल हो गई। जज अबुल हसन मोहम्मद जुलकरनैन ने 12 घंटे से ज्यादा केस की तवील समाअत अडियाला जेल में की। आज फिर समाअत होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। मुलजमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयान पर जिरह मुकम्मल हो गई। जज अबुल हसन मोहम्मद जुलकरनैन ने 12 घंटे से ज्यादा केस की तवील समाअत अडियाला जेल में की। आज फिर समाअत होगी। अडियाला जेल में दो अदालतें लगाई गई हैं। हमने अपनी आंखों से इंसाफ का कातिल होते हुए देखा है। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले साइफर केस में जज ने अलहदा अदालत लगाकर बानी पीटीआई को बुलाया जबकि वो उस वक्त दूसरी अदालत में मौजूद थे। मुख्तलिफ जगहों पे अदालतें लगी हुई थी। आज हमने अपने आंखों से इंसाफ का कत्ल होते हुए देखा है। साइफर ट्रायल के लिए एक अलग सी जगह में जज साहब ने अदालत लगाई और वहां भी ये ऑर्डर कर लिया कि खान साहब को यहां प्रोड्यूस किया जाए। अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो दूसरे कोर्ट में मौजूद है, उसके बावजूद प्रोसीडिंग कंटिन्यू होती गई। आज जो प्रोसीडिंग देखी है ये तोशाखाना का एक नया वर्शन है, उससे भी आगे जा रहा है। हम सवेरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ जाएंगे। जगहों पे अदालतें लगी हुई थी। आज हमने अपने आंखों से इंसाफ का कत्ल होते हुए देखा है। साइफर ट्रायल के लिए एक अलग सी जगह में जज साहब ने अदालत लगाई और वहां भी ये ऑर्डर कर लिया कि खान साहब को यहां प्रोड्यूस किया जाए। अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो दूसरे कोर्ट में मौजूद है, उसके बावजूद प्रोसीडिंग कंटिन्यू होती गई। आज जो प्रोसीडिंग देखी है ये तोशाखाना का एक नया वर्शन है, उससे भी आगे जा रहा है। हम सवेरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ जाएंगे।